लेकिन निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का ये नारा नहीं, संकल्प होता है कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसमें मैं 25 साल से लगातार पहला वोट अपने बूथ पर डालता हूँ और आज भी पहला वोट मैंने अपने बूथ पर डालने का काम किया है। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तमाम प्रदेश के मतदाताओं को अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व आज हरियाणा में मनाया जा रहा है, तो इस लोकतंत्र पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत डालकर हिस्सा लें। अब की बार 75 पार, इस नारे को कहाँ तक चरितार्थ होते देख रहे हैं? हम नारा नहीं लगाते, हम संकल्प लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमने लोकसभा के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था इस बार 300 पार, और 300 पार हुआ। इस बार हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस बार 75 पार, तो ये संकल्प पूरा होगा, ये मानकर चलिए। अभी आपने सुबह सुबह वोट डाल दिया है, इसके बाद आपका आज का शेड्यूल क्या रहेगा? भाई यही अपना अभी कार्यालय में बैठकर सब जगह की जानकारियां लेंगे और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे, मतदाताओं को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को वोट डालने के लिए बाहर निकालें। फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, किस तरह के परिणाम रहने वाले हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, फरीदाबाद लोकसभा में तमाम कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने बूथों पर डटे हुए हैं, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस बार फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटें जीतकर हम आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और मनोहर लाल जी की झोली में डालेंगे, और ये 24 तारीख को हो जाएगा। अभी एक ईवीएम के खराब होने की सूचना ही थी। देखिए, थोड़ा टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए ईवीएम में कोई खराबी थी, लेकिन वो तुरंत ठीक कर ली गई और मतदान शुरू हो गया।